रिया चक्रवर्ती को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। आप सबको बता दूं कि गुजरात के मुद्रा पोर्ट से टोटल 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई है, जिसको जब्त किया गया है। अब इन सब चीज़ों को लेकर संजय राउत की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि मात्र 2 ग्राम रिया चक्रवर्ती के पास से मात्र 2 ग्राम जब ड्रग्स मिला था, तो उस टाइम पूरी तरह से बीजेपी के बड़े पॉलिटिशियन, मीडिया चैनल, हर एक मीडिया चैनल में उस न्यूज़ को दिखाया गया और हर जगह पे लोगों ने बवाल मचाया। लेकिन आज जब जो है 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है, तो उस पर कोई भी मीडिया चैनल क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? हर जगह पे लोग जो है मीडिया चैनल से लेकर हर जगह पे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो आखिरकार क्यों बात नहीं करना चाहते? यही नहीं, संजय राउत की तरफ से ये भी बोला गया कि आखिरकार ये हेरोइन कौन मंगवा रहा था और कौन इससे जो है पैसे कमा रहा था, उसकी सही से जाँच होनी चाहिए और इसमें पता लगाना चाहिए कि ये जितनी भी ड्रग्स जो अभी जब्त की गई है, वो आखिरकार गई कहाँ पे? आपका क्या ओपिनियन है संजय राउत के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।